मगर खातिन हजरात मसला ये है जो बंद मौजूद, बरेली मौजूद, अहले हदीस मौजूद, क्या क्या खूबसूरत फ़िरके मौजूद, अकाबरीन मौजूद, असाबरीन मौजूद, बिलीवर्स मौजूद, लश्कर के लश्कर मौजूद, निज़ाम इस्लाम के तायीन मौजूद। एक बंदा खुदा गायब, एक बंदा खुदा गायब। वो जब ऊपर चढ़ती है, देखो अहराम की कोई चोटी भी तो चलो यार आम मस्जिद में न मिले, आम मदरसे में न मिले, इन मौलवी साहब से न मिले, उन अकाबर से न मिले, कहीं तो यार खुदा मिले ना। कितने लोग हैं जो इन स्कूलों में पढ़ के निकलते हैं और कितने लोग कहते हैं कि हमें खुदा मिल गया, क्योंकि मजहब का मकसद शरीयत नहीं होता। शरीयत मजहब की वेस्टिज है। ये देखा कान ये नीचे लो देखते हो, ये वेस्टिज है, पुराने जमानों से चली आती है, अभी तक मौजूद है। चीनी कहते हैं जिसकी बड़ी हो उसकी अकल होगी, जिसकी हर चीज के साथ रिवायत वाबस्ता होती है। और खुदा के बंदो, हमने मजहब शरा के लिए नहीं कबूल किया। शरा एक रास्ता है, कम से कम ज्यादा राह जिसे तुम लेके मंजिल तक पहुंचा, यह है शरा की डेफिनेशन। क्या तुम इस्लाम के इबादत को पाकर क्या खुदा तक पहुंच जाते हो? रब ने काबा की कसम है, मुझे जरा कसम खा के बताना, तुम में से कोई खुदा तक पहुंच जाता है क्या इन इबादत के रंग से? बुजुर्ग हमारे बहुत पक्के नमाजी थे, बहुत अच्छे लोग, सब जन्नत के मुसाफिर थे, अल्लाह उन पर हजार हजार रहमत। मगर खुदा पाना जरा डिफरेंस ही शायद है। रास्ते में रह जाना और बात है, चल तो रहे थे ना, मगर मंजिल मकसूद तक पहुंचना बड़ी मुश्किल बात है। वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौला एक कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग वादिय सीना, वो फरोग वादिय सीना कहीं नजर आएगा। आपको पता है कुरान हकीम ने कहा सुलेमान के दरबार में, सुलेमान बहुत बड़े पैगंबर हैं, ऐसे पैगंबर हैं कि कंपेयरिंग विद द प्रॉफिट्स अल्लाह ने कहा फाफहमना सुलेमान, हमने सुलेमान को खसूसी फिक्र दी, खसूसी फहम दिया। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन ने कहा हुक्म दे तो मलका बिल्किस का तख्त आधे दिन में पहुंचा दो। फिर किसी ने साथ से कहा, वो जो साथ से कहा उसका नाम आसिफ बिन बरखिया था। साथ से कहा किसी ने अगर इजाजत हो तो पलक झपकने में पहुंचा दो। क्या पैगंबर खुदा अगर इजाजत हो तो मैं पलक झपकने में पहुंचा दूं? पता है कुरान उसे किस तरह क्वालिफाई करता है? वो जिसे किताब का इल्म हासिल था, वो जिसे किताब का इल्म हासिल। खातिन हजरात, ये किताब का इल्म किधर गया? इतने सारे आलम, इतने सारे मुल्ला, इतने सारे उनके नक़ाद, इतने सारे हुफाज, ज़माना भरा पड़ा है क़ारीन से, ये किताब का इल्म कहाँ चला? वो कोई और किताब पढ़ते थे। लगता है जनाब अली करमल्लाहु वजहू ने किसी ने पूछा, यार सुना को फालतू कुरान भी रखा हुआ है आपने, को जायद कुरान भी था जो किसी और को नसीब नहीं हुआ और खसूसन अहले बैत को अता हुआ। तो जनाब अली करमल्लाहु ने फरमाया रब काबा की कसम, एक एक हर्फ वही, एक एक लफ्ज़ वही, एक एक नुक्ता वही जो तुम पढ़ते हो, वही कुरान है। मगर ये कि हमें अल्लाह ने फहम ज्यादा दी है, मगर ये कि अल्लाह ने हमें फहम ज्यादा दिया। ये फहम वाला एक शख्स का खुतबा दे रहा था, बड़ी दूर को 1400-1500 मील दूर मुसलमान जंग लड़ रहे थे। सिपा सालार का नाम था नईम बिन सारिया। बड़ी दूर से उस शख्स ने देखा कि मुसलमान फौज तो गर्दिश में आ गए, ये तो तबाह होने के बाद। मदीने से आवाज़ दी उस साहिब खुतबा ने, या सारियातल जबल, या सारियातल, ऐ नईम बिन सारिया पहाड़ को लो। नईम बिन सारिया कहते हैं मुझे मैदान जंग में अमीर मोमिन उमर बिन खत्ताब की आवाज़ आई, उमर बिन खत्ताब की आवाज़ आई कि ऐ सारिया पहाड़ को पुष्ट कर लो। हम पहाड़ को निकल गए और हमें फतह नसीब। छोटे से सहाबी थे, थोड़ी बहुत किताब पढ़ी होगी, पूरी तो हाफिज भी नहीं थे उस वक्त। हफाज तो बहरे मयमुना के हादसे में शहीद हो गए थे, छोटे से थे। हजरत अकबा बिन नाफे उनका नाम। जंग आ गई, मैदान जंग ऐसा जमा कि नजर नहीं आता, एक जंगल जिसमें वहूश, जिसमें इतने दरिंदे देख गुजरने की कोई जरूरत नहीं कर पाता। नईम बिन सारिया ने जानमाज बिछाई और आवाज दी, आए दरिंदो, आए परिंदो, आए चरिंदो, हम असहाबे रसूल हैं, हम अल्लाह के हुक्म से इस जगह आए हैं, तुम हमारे लिए जंगल खाली कर दो। अब भी उसी जगह आपको नाफा एयरपोर्ट है जहाँ हम उठते थे लीबिया में। आवाज़ दे के कहा कि आप परिंदो ये जगह खाली कर दो। और हिस्टोरियंस पता है क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि सुबह एक अजीब व गरीब नज़ारा देखा गया कि दरिंदे चरिंदे सारे अपने बच्चों को मुँह में डाले हुए जंगल खाली कर रहे थे, जंगल खाली। अजीब से लोग, वो साहिब हिजबुल बहर कि जिनकी ये तस्वीर थी, या अली हो या अजीम हो या हलीम हो या अलीम। नाजम बिन अकीदर बिन नाजम की तलाश में निकले हजर मौत की फतह के वक्त, सामने समंदर आ गया। सामने वो इतना खुश खड़ा था कि बकौल मौरखीन के उसने हंसना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी जीत झील है, इतना पानी है, इतना सैलाब है, मुसलमान पागल हुए, ये कैसे निकल के आए। और जब हजरत ने देखा तो उन्होंने कहा, अच्छा हम अल्लाह के नाम पर इसमें घोड़े डाल रहे थे। बड़ी गहरी, बड़ी घनी झील, बड़ी मुश्किल थी। और पलक झपकते हुए निकल के उन्होंने, नाज़िम इतना बुखला गया, इतना बुखला गया कि उससे चला ही नहीं गया, सख्ता कारी हो गया कि ये कर क्या रहे हैं। और वो उतनी बड़ी झील को अबूर करके, और आज तक उनकी ये तस्वीर हम तक मौजूद। बड़ा शौक है ना आप लोगों की तस्वीर का, तो ये हिज़्बुल बहर कहलाती है, पानियों की फातेह है ये तस्वीर। या अली हो या अजीम हो या हलीम हो या अलीम, ये चार अल्फाज की तस्वीर थी। इसके साथ एक दुआ थी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मअ इस्मिही शैअन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाअ व हुवा समीउल अलीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन। ज़मीन व आसमान में कोई शाय आपको गजंद नहीं पहुंचा सकता। मगर हुआ है कि एक सहाबी बड़ी पड़ते थे, तो एक दिन उनकी टांग को टूट गई, तो जो सहाबी उनकी ताज़ियत के लिए गए या उनकी खैर अमल के लिए गए, उन्होंने कहा हजरत आप तो ये दुआ बड़ी पढ़ते थे। कहते चुप रहो, आज ही भूल गया था, उस दिन टांग टूट गई। तो खुदा का रंग जो है दो चीज़ों से इस्टेब्लिश होता है, इससे इसमें कोई शक नहीं कि खुदा के रंग से कोई रंग नहीं। मगर ये रंग जो है, कुल हत अर्जुनना फिल्लाए वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून, ये रंग इखलास से चलता है। इस रंग का नाम ही इखलास है। जब शैतान ने कहा है परवरदिगार तेरे बंदों को मैं हर तरह से आजमाऊंगा, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, तो अल्लाह ने कहा हाँ मैंने तेरे मुवाफिकीन का कुछ हिस्सा जहन्नुम में लिख दिया है, तू जिनको बहकाएगा उनको अपने साथ ले जाएगा। मगर एक बात याद रखना, कि तू क़यामत तक उन लोगों को कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकेगा, ना उनको गुमराह कर सकेगा जिनके दिल में मेरे लिए इल्ला इबादिल्लाहिल मुखलसीन कि एक ज़र्रा बराबर इखलास की जिसके दिल में मेरे लिए कायम है, तू उसको कभी भी बहका नहीं सकेगा और उसने आखिर में मेरे साथ ही रहना।